बरामद पंजुमे स्कॉलरशिप के जहनी आजमायश के आज की वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट के लिंक दी गई है आप वीडियो में कमल देखने के बाद ही उसे हल कीजिए हम देख रहे हैं गुरु से ताल्लुक़ रखने वाला रुकना और आज का हमारा मौजू है एदाद इसके पहले हमने इसके दो मौजू देखे हैं और आप ये भी समझ लीजिए कि हमने हमारा जो सिलेबस है वो तकरीबन तकरीबन मुकम्मल कर लिए है हमने आठ अस्बाक पूरे मुकम्मल किए हैं और हम आज देख रहे हैं हमारा सबक नंबर नौ गुरु से ताल्लुक़ रखने वाला रुकन और इसका जैली जूझ है तीन नंबर का गुरु से ताल्लुक रखने वाला रुकन में एदाद कुछ मालूम है जो जहन नशीन कीजिए आप इस तरह के सवालत में तीन इजाद का ग्रोह होता है इस तरह के जो सवालत होते हुए उसमें तीन एदाद का ग्रोह होता है ये ग्रोह मुरबा मकब मुफरद मकब मुरक, जुफ्त ताक रोमन इदात वगैरह का हो सकता है इसी तरह इस ग्रोह में मखसूस तरतीब भी हो सकती है सही मुशाह हमें सही जवाब तक पहुँचाता है यानी ये तीन जो इदाद का ग्रोह होता है वो एक तो मुरबे हो सकते हैं यहाँ मकब हो सकते हैं हमने पढ़े हैं मरबे ये क्या मकब यानी कि अगर आप वीडियो मेरे रियाज़ी के या जैन अजमज की वीडियो अच्छे तरीके से देख रहे हैं मुकमल तो मुरबे वगैरह के जो कन्सेप्ट है वो आपके अच्छे तरह से क्लियर हो जाएंगे मुफरद इदाद मुरकब इदाद ये भी हमने पढ़े हैं जुफ्त इदाद ताक इदाद ठीक है रोमान इदाद अब ये तो मैं सब रिपीट अभी आपके लिए नहीं कर सकता क्योंकि हम अभी हमारे आखिरी अख्ताम पर है सिलेबस के तो ये सारी बातें हमने कर चुके हैं पहले की वीडियो में तो ये सब आप एक बार दोहरा लीजिए तो आप देखेंगे हम कुछ सवाल जेल में दिए गए इजात के ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले अदद मुतबादलात में से पहचान देखिए ये का ग्रोह है टू फाइव सेवन यानी दो सौ सत्तावन वन फोर फाइव एक सौ पैंतालीस एटी टू और ऑप्शन दिए गए यहाँ पे हमें तो हमें यहाँ पे क्या इनमें ताल्लुक़ आता है वो समझना समझना होगा और सही जवाब को ढूंढना होगा इस तरह के सवालत हमारा बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर सकते हैं अगर आप इसमें जितनी ज़्यादा मश करेंगे तो आपके जहनों में उतनी ज़्यादा ट्रिक्स आते चली जाएंगी देखते हैं वजाहत इसकी देखिए सवालिया इहदात मुरबे से एक ज़्यादा है ये जो सवालिया इहदाद है ये सब मुरबा यानी दो ज़रब दो यानी क़वत दो वाले अदाज से एक उसमें ज्यादा अदद मिलाया गया है देखते हैं पहला टू फाइव सेवन देखिए टू फाइव सेवन कैसा आया सोलह ज़रब सोलह सोलह का मुरबा उसमें जमा एक कर दिए देखिए सोलह का मुरबा सोलह ज़रब सोलह बराबर दो हज़ार छप्पन दो हज़ार छप्पन में एक मिलाया तो बनता है दो सत्तावन यही ताल्लुक वन फोर्टी फाइव में भी है देखिए वन फोर्टी फाइव बराबर बारह बारह जमा एक बारह ज़रब बारह किए बारह का मुरबा निकाले तो आता है वन फोर्टी फोर यानी एक सौ चवालीस और इसमें एक मिला दिए तो वन फोर्टी फाइव देखिए वन फोर्टी फाइव ठीक है अब तीसरा देख लेंगे हम तीसरा भी सेम ऐसी है एटी टू बराबर नाइन ज़रब नाइन नौ ज़रब नौ जमा एक यानी हम नौ और नौ की ़रब किए तो हमें वो एटी वन मिलता है एक ऐसे मिलता है उसमें एक मिला दिए एटी टू होता है तो ये जो ताल्लुक़ है यह है सवाल सवाली इदाद मुरबा से एक ज़्यादा है मुरबे से एक ज़्यादा है अब हमें ऑप्शन ढूंढना होगा कौन मुरबे से एक ज़्यादा है तो ऑप्शन नंबर एक हमें नज़र आ रहा है देखते हैं ऑप्शन नंबर एक को सैतीस बराबर 6 जरब 6, 6 को 6 से किए तो छत्तीस तो हमारा सही जो जवाब है ऑप्शन नंबर है इसलिए हम ऑप्शन नंबर एक का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे और मिसाल देखेंगे इकतालीस और बावन छियालीस बावन में क्या ताल्लुक है क्या रब्त है देखते हैं वजहत में सवालिया हिंसों का फर्क तीन है देखिए यहाँ पे जो सवाली दिए गए हैं इनके जो हिंसे हैं उनका फर्क तीन है नौ और छः में जो फ़र्क है वो तीन का है ठीक है अगर नौ में से हम छः नफी करें तो तीन मिलेंगे हमें चार में, तो में से एक नफी करें तो यानी नफी है ना तफरीक, चार में से एक तफरीक हमें तीन हासिल होंगे पाँच में दो तफरीक किए तो भी तीन हासिल होंगे देखिए नौ बराबर नाइन माइनस सिक्स नौ में से छः किए बराबर तीन ओके फोर्टी वन फोर्टी वन में चार तफरीक एक चार तफरीक तीन और फिफ्टी टू में देखिए फाइव माइनस टू यानी पाँच में से दो तफरीक किए तो तीन तो इस तरीके से ये जो इजाद दिए गए हैं सवाली इदाद इनमें ताल्लुक़ क्या है कि इनकी आपसी तफरीक हमें सेल में दे रही है तीन उसका जवाब दे रही है तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं हम ऑप्शन नंबर बासठ देखेंगे हम पहला ऑप्शन देखेंगे बासठ बराबर छः तफरीक दो यानी चार आता है तो ये ऑप्शन गलत हो गया फिफ्टी वन देख लेते हैं फिफ्टी वन फाइव माइनस वन फाइव माइनस वन फोर तो ये ऑप्शन में गलत हो गया हमें तीन चाहिए जिसका तीन आ गया वो हमारा सही जवाब है एटी फोर देख लेंगे एटी फोर एट माइनस फोर ये भी फोर आ रहा है आठ में से चार गए तो हमें क्या मिलेंगे चार मिलेंगे ऑप्शन नंबर चार देखते हैं अभी तीन ऑप्शन गलत हो गए ऑप्शन नंबर चार सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर चार सेवेंटी फोर बराबर सेवन माइनस फोर चार सात में से चार गए बच्चे तीन तो हमारा सही जवाब जो है जो हमारे सवालिया जो दिए गए इदाद उनसे मैच हो रहा है वह है ऑप्शन नंबर चार ऑप्शन नंबर चार का दायरा हम अच्छे तरीके से करेंगे आप समझे बच्चों देखिए इतने सारी चीज़ें हमें करनी होती है बहुत कम वक्त होता है इसलिए हमें हमारे वक्त का सही तरीके से स्कॉलरशिप इस में इस्तेमाल करना चाहिए एक और सवाल देखेंगे थ्री फोर फोर फाइव थ्री फाइव और वन एट वन आए गए सवालियादाद इनमें एक ताल्लुक है और वही ताल्लुक हमें समझना है और जवाब हमें ढूंढना है तो देखते हैं इसकी वजाहत थ्री फोर फोर सवालियादाद में हिंसे दोहराए गए हैं जो सवालिया है उसमें क्या हो गए हिंसे दोहराए गए हिंसे मीन्स फोर फोर दोबारा है फाइव फाइव दो बार है वन वन दो बार है अब थ्री फोर फोर ये टू टाइम है ये फोर और ये फोर आदत में फाइव थ्री फाइव में ये फाइव और ये फाइव ये भी टू टाइम है और तीसरा वन एट वन में ये वन और ये eight, one दो मरतबा है अब हमारे जवाब में देखना है हमें कौन सा आदत ऐसा है नंबर चार हमें मिल गया, गया और ये भी नौ मिल गया बाकी जगह है टू सेवन फाइव रिपीट नहीं है सिक्स टू सेवन ये भी रिपीट नहीं है और टू नाइन थ्री ये भी रिपीट नहीं है यानी हमारा ऑप्शन नंबर चार जो है उसमें रिपीट हो रहे हैं वो ऑप्शन हमारा सही है इसलिए हम ऑप्शन नंबर चार का जो दायरा है अच्छा, फिल करेंगे बाकी और सवाल हल करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए उसमें टेस्ट का लिंक दी गई है उसे हल कीजिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वरक